दो तारीख को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं। बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग अब गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। यहाँ का मुस्लिम समाज वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। पिछले 1.5 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वे सिर्फ एक पार्टी नहीं बना रहे बल्कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और भाजपा के 30 सालों के शासन से मुक्त कराने में मदद कर रहा हूं। पीके ने पार्टी में अपनी भूमिका पर कहा कि प्रशांत किशोर की भूमिका पहले जैसी ही रहेगी। पहले मैं राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए रणनीति तैयार करता था और अब बिहार की जनता की मदद कर रहा हूं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 1 करोड़ लोग मिलकर एक दल बना रहे हैं। 2 अक्टूबर को बिहार के 1 करोड़ लोग इस पार्टी के गठन के लिए इकट्ठा होंगे, ये एक ऐतिहासिक घटना होगी। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को केंद्र से कोई ठोस लाभ दिलाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार जेडीयू पर निर्भर है, इसके बावजूद नीतीश कुमार बिहार को कोई ठोस लाभ दिलाने में असफल ही रहे हैं। लालू यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों में एक डर बैठाया गया है कि कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है। लालू यादव को यादव और मुस्लिम इसलिए वोट नहीं देते हैं क्योंकि वे उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि भाजपा से डर कर वोट देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर एक बार उनके अंदर से ये डर निकल गया और दूसरा विकल्प मिल गया तो जैसे पुरानी लालटेन से किरोसिन निकलता है, वैसे ही इस लालटेन से किरोसिन निकलने लगा है। जनता को ये समझ है, बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग अब गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है और रोशनी किसी के घर पर हो रही है।